समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने बोफोर्स तोप मामले को लेकर नया बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में जब वह रक्षा मंत्री थे तो जानबूझकर बोफोर्स की फाइल गायब करा दी थी और इसको आगे बढ़ाने में देरी की। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, जब मैं खुद सीमावर्ती इलाके में गया और मैंने देखा कि बोफोर्स बेहतरीन काम कर रही है, मेरे मन में पहला विचार आया कि राजीव जी ने बढ़िया काम किया है। यही कारण है कि मैंने फाइल गायब करा दी। सपा मुखिया ने कहा, तब मैंने फैसला किया कि बोफोर्स फाइल के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और पहले यह पता लगाना चाहिए कि कोई मुकदमेबाजी में तो नहीं उलझ रहा है। यादव ने कहा कि लोग यह कहते हैं कि बोफोर्स राजीव गांधी की गलती थी। मुलायम सिंह ने कहा कि सब लोग नहीं समझ सकते कि कोई राजनेता किन परिस्थितियों में काम करता है। लोग मंत्रियों को प्रतिकूल परिस्थितियों में याद करते हैं और इस पर उन्हें प्रतिक्रिया भी मिलती है, लेकिन कभी किसी आईएएस ऑफिसर से कुछ पूछ कर देखिए तब पता चलेगा। आपको बता दें कि राजीव गांधी सरकार ने मार्च 1986 में स्वीडन की एबी बोफोर्स से 400 हाविट्जर तोपें खरीदने का करार किया था। तोपों की खरीद में 1437 करोड़ रुपए की दलाली का खुलासा अप्रैल 1987 में स्वीडन रेडियो ने किया था। इस खुलासे ने भारतीय राजनीति में खलबली मचा दी थी। 1989 के लोकसभा चुनाव में बोफोर्स मुख्य मुद्दा था। चुनाव में राजीव गांधी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी। फिलहाल कई सालों बाद मुलायम सिंह को अचानक बोफोर्स का याद आ जाना और राजीव गांधी की तारीफ करना राजनीतिक गलियारे में एक नई बहस को जन्म दे सकता है। देखते रहिए डीवी लाइव।